स्वागत है आपका। देखिए इस वक्त बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है और खासकर जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है सबकी नजर जमी हुई है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है चुनाव, लेकिन इस चुनाव को भी सौदेबाजी का अड्डा बनाने वाले एबीपी न्यूज के कैमरे पर बेनकाब हो गए। यूपी चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन में हम आपको ऐसे ही वोट की बिक्री करने वालों से मिलवाते हैं। उतर गया है वोट के सौदागरों का नकाब, खुल गई है वोट बेचने वालों की पोल। लोकतंत्र के दुश्मन का राज फाश, एबीपी न्यूज ने किया है पर्दाफाश। वोट का सीक्रेट सुपर स्टोर का शटर बंद। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को जेब भरने का अवसर समझने वालों का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश है ऑपरेशन न्यूटन। हम मिले ऐसे लोगों से जो पैसों के लिए वोट ट्रांसफर का दम भरते हैं। ये हैं यूपी के बाराबंकी जिले के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार दिनेश चंद्र। सुनिए वोट बेचने के लिए कितने उतावले हैं। 50,000 मिनिमम है सर वोट आपके ऊपर, आपका जो है जी, तो ये सारा वोट टेबल में डलवा देंगे आप। आपसे समझौता कर लेंगे तब तो हमको मजबूरी में वो करना पड़ेगा। तो 5 सर। फिर वो मैं बात कर लूंगा सर बॉस से एक बार। क्या गुंजाइश होगी? वो मैं बात कर लूंगा सर थोड़ा और। बात करता कितना? अच्छा आप बताइए ना, आप मान के चल रहे हैं? 10-10 कर दूंगे। हैं 10-10 कर। ऐसे लोग अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरते ही इसलिए हैं ताकि वोटों का सौदा किया जा सके। ऐसा ही एक लालची चेहरा हमें मिला यूपी के उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट पर। अनिल 10,000 वोटों के ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ की रकम की मांग करता एबीपी न्यूज के कैमरे पर दिखा। आप बताएं कि हमारा हमको क्या सही करना है। आपसे अगर आप कंफर्म कर देंगे तो फिर मैं अभी बात कर लेता हूं। यही कि कितना वोटर बढ़ती मांग मोटा मोटा 10,000 वोटर हो जाएंगे। जो आप 10,000 की बात कह रहे हैं तो वो एक और डीमा करके आप वेरीफाई करेगी कि आपका है कि नहीं जमा। सर्वे करा लेते हैं। नहीं पहले नहीं, बाद में होगा ये सब। आप सर्वे कर ले वो सर्वे, क्योंकि भैया देखिए साफ सीधी बात है, अगर जैसे आप दो कह रहे हैं तो जो देगा वो भी तो थोड़ा वोट बजा के देखेगा ना। चलिए हम आपको कितना लिख देंगे, 10,000 वोट की बात कर रहे हैं ना। 10,000 वोट पे और कोई डिमांड? अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर हमें ऐसे उम्मीदवार मिले जो नोट के बदले वोट का खेल करने के लिए तैयार थे। इनमें से एक निर्दलीय है जो पूरी बेशर्मी से वोटों का सौदा कर रहा है। हम लोग कहते हैं वोट काफी हैं। कितने आपकी कितनी होगी वोट? अब हमारी वोट कम से कम 1,500 तो होनी ही है। अच्छा जी, कम से कम। कम से कम नहीं मांगने पर भी। अच्छा, और हम अभी जैसे घूम रहे हैं इधर उधर बता रहे हैं लोगों से, कुछ ना कुछ तो रिस्पांस मिलेगा ना अपने का। भले ही हम जीते या ना जीते कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो होना ही है। कर दीजिए सपोर्ट, ऐसा बताइए आप लोग। जैसा बताइए कितना खर्चा हुआ अभी तक आपका? अभी तो हम लोग कम से कम 20-25,000 रुपये तो खर्च कर चुके हैं। कर चुके हैं, क्या करवा दूँ? जो आपकी इच्छा हो आप बताओ ना। अब लेकिन ये बातें ओपनली नहीं हो रही थी, तभी मैंने उसमें बाहर निकला था, लोग देख रहे थे, इसीलिए मैंने ड्राइवर को उतार दिया बाहर। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा। जो भी आपकी इच्छा हो। अरे आप तो बताइए ना कुछ, तभी मेरे को तो बात करनी पड़ेगी ना आगे। आप जो बताएंगे फिर मैं बात कर दूंगा आगे। मैं क्या बताऊँ, आप समझिए। अरे कुछ तो बताएंगे तभी तो मैं आगे आगे भी खर्च करना पड़ेगा है ना। अभी हमें आगे भी खर्च करना पड़ेगा, घूमना टहलना रहता है, लोगों से मिलना रहता है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी हिसाब से आप जो समझे। क्या बता दूं सर जी, आप कहेंगे डिमांड कर रहे हैं कुछ। नहीं नहीं नहीं, अरे डिमांड की बात नहीं है, बताइए। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या बताऊं। फिर वही आप अपने मन तो बताइए ना, फिर मैं आगे बात कर दूंगा ना। ये हो सकता है कि मेरे हाथ में भी कुछ चीजें, मैं चलिए एक के आसपास करवा दीजिए। एक के आसपास जी। अयोध्या सीट से ऐसा ही दूसरा चेहरा हमें मिला जो मौलिक अधिकार पार्टी के बैनर तले वोटों का सुपर सीक्रेट स्टोर खोले हुए है। कैसे होगा वोट ट्रांसफर? साहब
गोपनीय रूप से कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि यही आभास ना हो हाईकमान को बना रहे इन लोगों ने दखल कर मुझे एक अमाउंट बता दीजिए ताकि आप जाना आगे मैं कोर्ट तो करूँगा ना आप नहीं समझ रहे ना मेरी बात आप बताएंगे तभी तो मैं तीन चार के बीच में करवा दूँ बताइए बताइए आप भी तो बताइए निर्णय ले लेंगे हाँ तीन चार लाख बहुत है लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाजार में सभी उम्मीदवार बिकने वाले ही मिले हमारे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक के बाद एक कई ऐसे चेहरे भी मिले जिनके लिए चुनाव लोकतंत्र का सबसे पावन मौका था और इसके लिए वोटों की सौदेबाजी कोई मतलब नहीं रखती थी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे